पतंग अच्छे अच्छा मंजा, और मनीष भाई भी नो डाउट इंसान बहुत अच्छे हैं। अच्छा है, पतला मंजा है, धार भी अच्छी है, मंजे बल भी खुले हुए हैं। तो भैया कितनी रील रहती है ये? चार रील अभी, चार रील रहती है। तो भैया चौबारा जैसे वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम दी प्रयागराज भाई लोग, और आ चुके हैं हम मनीष खाई सेंटर के ऊपर। आते भैया की शॉप खुलवा रहे हो, देखिए शॉप नहीं खुली, उससे पहले ही सब के सब यहाँ पर है। तो ये है मनीष भैया का जलवा। भैया सुबह से यहाँ पे भीड़ हो जाती है और मुझे नहीं पता मैं वीडियो कैसे कवर करने वाला हूँ, कैसे रहेगा, क्योंकि यहाँ वीडियो कवर करना जितना रश रहता है ना यहाँ पे। तो लेट्स सी, बीच में हॉर्न की आवाज़ आएगी बहुत बढ़िया वाली आपको। अब देखें यहाँ पे शॉप ओपन हो रही बनी, और देखिए यहाँ पे अभी से ऑलरेडी कस्टमर खड़े हैं, कुछ रिटेलर्स खड़े हैं, कुछ कस्टमर्स खड़े हैं। तो भैया मज़ा आने वाला है यहाँ पे, चलिए कवर करते हैं यहाँ पे मनीष भाई को। फाइनली शॉप हो चुकी है ओपन। जी हाँ भाई लोगों, मैं फिर से दिखाऊंगा एड्रेस आपको। यहाँ पे देखिए मनीष काइट हाउस, आपको कभी भी आना हो यहाँ पे, एड्रेस देखिए अतर सुया चौराया। वैसे ऑनलाइन डिलीवरी भी करते हैं, अगर आप यहाँ पे हैं प्रयागराज के रहने वाले हैं तो भैया सिंपल गूगल पे डालिए मनीष काइट हाउस सेंटर, आपको पूरा एड्रेस मिल जाएगा। अभी बस शॉप ओपन हुई है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, देखिए आप देख रहे हैं बच्चे बच्चे सब भीड़ है यहाँ पे। तो अभी तो अंदर जाने को नहीं मिलेगा, लेकिन देखते हैं क्या कर सकते हैं और कुछ नया कवर करेंगे आपके लिए। जब आए हैं प्रयागराज तो कुछ ना कुछ तो कवर करेंगे, स्पेशल रहेगा आपके लिए वैरायटी ऑफ माइंडन छः रील जिसे बोलते चरखी हम। बाकी बार ईद में क्या रहेगा, पतंगों में क्या रहने वाला है, सद्दी में जो स्पेशलिस्ट है, और खासकर चौबारों में, इलाहाबाद के चौबारों में बहुत बढ़िया, वो भी हम कवर करेंगे आज। तो देखते हैं यहाँ पे अच्छे तरीके से, और देखते हैं डबल ट्रिपल सब दिखाएंगे अब यहाँ पे आपको। भैया को आज हम कवर कर रहे हैं इलाहाबाद में प्रयागराज के अंदर, और यहाँ देखिए हमारे दीपक भैया आए हुए हैं और डोर देख रहे हैं हमारी जैम अख्तर की काला तूफान। और भैया आपका नाम क्या है? कुंदन। चलिए तो भैया यहाँ पे मिल रहे हैं कस्टमर से, यहाँ पे अभी थोड़ा सा कम हुआ तो हम वीडियो स्टार्ट करेंगे, और वीडियो स्टार्ट में पहले पहले दीपक भैया को सब जानते हैं, हमारे फेसबुक पे भी एक्टिव रहते हैं और पतंग भी उड़ाते हैं। तो भैया काला तूफान देख रहे थे हम की, तो आज थोड़ा सा पहले इन्हीं थे, हम यही चरखी लड़ाते हैं हमेशा, इनसे इनका रिव्यू लेंगे। ये चरखी भैया ऐसी है कि आप चाहे जैसे लड़ा लीजिए। क्या बात है। तो दीपक भैया आप तो फंस के भी लड़ती है, खींच के भी लड़ती है, इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है और बहुत जल्दी नाम किया है कारीगर ने, बहुत अच्छा, और काम भी इसका भैया बहुत अच्छा है। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो भैया आप भी डोर लेने आए थे, आप भी पतंग मांझा उड़ा, मतलब कौन सी डोर लेने आए? साथ आए हैं, अभी दिलाएंगे हमको। अच्छा, छोटा। अरे क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो दीपक भैया ने लास्ट में हमारी बहुत हेल्प की थी, हमें बाबू टेलर से मिलवाया था, और बीच में उनका फोन भी आया था, बाबू टेलर से बात हो रही थी। तो आज भैया यहाँ पे, तो आज काफ़ी वीडियोस होने वाले, तो भैया को बीच में हम कवर करेंगे। प्लस भैया एक्टिव रहते हैं फेसबुक के ऊपर, और कहीं ना कहीं इनके आपको पोस्ट मिल जाएंगे, कमेंट मिल जाएंगे। तो ये तो मज़ा आ गया कि भैया यहाँ पे मिले हैं और तय वक्त की डोर यहाँ पे ले जाते हुए। चलिए सनी भैया का चैनल लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर करिए। थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू सो मच। हमेशा आइए मनीष भैया के यहाँ, रीजनेबल प्राइस, एक नंबर की डोर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और ये आप जानते हैं ऑनलाइन डिलीवर भी हो जाएगा, राइट? और आप जानते हैं मैं पूरे इलाहाबाद में प्रयागराज में खाली इन्हीं की वीडियो कवर करने के लिए आता हूँ यहाँ पे। और दीपक भैया यहाँ पे थैंक यू सो मच। बाकी कुछ भैया अंदर गड़े हैं, चलते हैं थोड़े से मांझा कवर करेंगे, पहले वीडियो में पतंग कवर करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करें सद्दी के ऊपर। अभी दीपक भैया से मिले थे, वीडियो स्टार्ट करना था, लेकिन फिर से कस्टमर का रश यहाँ पे आ चुका है। तो लेट्स सी आज हमारी वीडियो होती कि नहीं होती, और यहाँ पे एक सरप्राइज और है। यहाँ पे आपने प्रयागराज में एक चैनल देखा होगा हमारा, काइट बाजी बाई AGS, तो वो भैया आ रखे हैं, उनके साथ भी आ रखे हैं। अभी एक और इनके पार्टनर हैं, उनसे शाम को मिलना होगा। और सबसे अच्छा दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, अगर कभी भी आप आएंगे तो यहाँ पे इनको आप फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से इनको स्कैन करेंगे तो इनको फॉलो कर लेंगे यहाँ पे। तो भैया आप बिल्कुल फॉलो कीजिए, भैया बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं और प्रयागराज को पूरा कवर कर रहे हैं इस टाइम पे। तो ऑल द बेस्ट भैया हमारी तरफ से आपको। थैंक यू भाई, भाई। बाकी आप इतनी दूर से गुड़गांव से कवर कर रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रयागराज में भाई। थैंक यू। पूरा दिन आप लोगों ने खाया पिया कि नहीं? बिल्कुल खाया, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग से डेफिनेटली खा लिया भैया यहाँ पे। तो भैया आज देखते हैं वीडियो होगा नहीं होगा, पहला क्वेश्चन ये है कि हमारा वीडियो होता कि नहीं होता, ये देखने वाली बात होने वाली है। चलिए थैंक यू सो मच। देखिए देखिए भैया यहाँ पे शॉपिंग होती हुई है यहाँ पे, और भैया ने सब कुछ ले लिया है। हम शॉप में आ चुके हैं और शॉप कवर करने वाले हैं। देखिए शॉप दिखाते हैं, सारे ब्रांड रखे हुए हैं। उससे पहले भैया ने कुछ शॉपिंग कर रहे थे, तो भैया ने ना एक बड़ा बढ़िया मांझा लिया है। भैया क्या नाम है आपका?
रिंकू भाई ने लिया नासिर भारती की डोर। ये भैया खोल के दिखाएंगे वाली डोर, वैसे आप ले चुके हैं, भैया के पास होगा हम कवर कर लेंगे, खोल के दिखाएंगे इसको भैया। ये नासिर भारती की डोर ली है और ये वीडियो में हम मांझा कवर करेंगे, अगली वीडियो में हम कवर करेंगे। ये देखिए भैया नासिर भारती चरखा कितना बढ़िया लगा हुआ है, तो कितना वेट है। तो भैया कैसी लगी डोरी वाली? बहुत अच्छी लगी। तो कैसे पेच लड़ाते हैं आप? तो मैदान लड़ाते हैं अभी? नहीं मैदान। चलिए तो भैया देखिए नासिर भारती की डोर भी हमारे मनीष भैया के पास मिलती है और ये हमने कवर करी है यहाँ पे। तो वीडियो अभी कंटिन्यू करेंगे, इसमें सब आपको दिखाएंगे भैया के पास क्या क्या 6 रील में रहेगा, क्या क्या रहेगा 12 रील में। थोड़ा रश ज़्यादा है क्योंकि होली का सीज़न है और बिल्कुल हम एंड टाइम पे आए हैं, तो थोड़ा सा रह रहा है, बीच बीच में ब्रेक ले लेके वीडियो बनाए, लेकिन जो भी करेंगे ना आपके लिए अच्छा कवर करेंगे। और कवर होगा भैया 6 में और 12 में, बहुत बढ़िया बढ़िया आपके लिए एक से एक करियर का मांझा। लोगों अभी वीडियो स्टार्ट नहीं होगा, होगा क्योंकि रश फिर बढ़ चुका है, रश बढ़ा है, लेकिन रश के साथ रश बढ़ाने वाले हमारे हीरो भी आ चुके हैं, हमारे हाशी भाई यहाँ पे, अभी इनसे ही बात करेंगे वीडियो के अंदर। तो मांझे का वीडियो होगा, साथ में हमारे हाशी भाई से मिलना होगा। देखिए अभी सत्यवती बन रहे हैं और यहाँ पे हमारे मनीष भाई हैं यहाँ पे, तो ये सब हम कवर करेंगे और हमारे हाशी भाई से बात भी करेंगे भैया। मांझे का वीडियो होने वाला साथ, लेकिन उससे पहले हमारे ना मतलब नोट प्रयागराज पूरे हिंदुस्तान के हीरो हैं, हमने बीकानेर में इनको लड़ाते हुए देखा तो बहुत तेज खींचते पतंग, ठीक है, और कहीं ना कहीं पूछा भी था क्या राज है इनका, तो बता रहे थे बड़ा हंसी मजाक हुआ था वहाँ पे। अभी इनके जोड़ीदार नहीं है, वकील भाई नहीं है यहाँ पे, होता है शाम को भी मिल जाएंगे। तो भैया यहाँ पे आए हैं हम अपने मनीष भाई के पास, वन ऑफ द बिगेस्ट काइट सेंटर जो शॉप है प्रयागराज की, और वहाँ पे हमारे हाशिफ भाई भी साथ में सपोर्ट कर रहे हैं। तो हाशिफ भाई थोड़ा सा हमारी शॉप के बारे में, मतलब हिंदुस्तान में बहुत सब जानते हैं मनीष भाई के बारे में, तो थोड़ा सा आपकी तरफ से। मनीष भाई क्या भाई, सभी चीज़ अवेलेबल रहती है, मंजा है, पतंग है, जो भी चाहिए इंसान को, अच्छी से अच्छी पतंग, अच्छा अच्छा मंजा। और मनीष भाई भी नो डाउट इंसान बहुत अच्छे हैं, आपकी बहुत अच्छे इंसान है सर, सब जानते हैं, दिल से बड़ा मतलब हंसी मजाक करते हैं और बिल्कुल। चले बाकी अभी कौन सा टूर्नामेंट, कोई गेम आने वाला है जो हम कवर कर सकते हो दिल्ली या जयपुर के अंदर? लखनऊ में अद्दी का टूर्नामेंट होने वाला है, मिनी ऑल इंडिया, मिनी ऑल इंडिया, दो दो खिलाड़ी का है, छह तीन पेज। ओके, और कानपुर में है 5 खिलाड़ियों का, तीन वो तो ऑल इंडिया में 2025 का ऑल इंडिया वो शायद से। तो भैया इनको सब जानते हैं, इनके शॉट देखे होंगे, बिजली की तरह खींचते हैं भैया, इनकी पतंग इनको देख लो ना, पतंग खींचते हुए तो भैया सामने वाले ऐसे डर जाता है। देखिए और ये देखिए सब यहाँ पे शॉपिंग करने हुए हैं भैया, थोड़ा सा कुछ हमारे मनीष का सेंटर के बारे में बताना चाहेंगे, आप सब शॉपिंग करते हैं कैसी, क्या बात है, क्या बात है। और भैया चलिए तो सब यहाँ पे है, तो भैया बढ़िया, देखिए एक नंबर, एक ही बारी में सारी बात खत्म कर दी, एक नंबर, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, मतलब शटर डाउन करना पड़ा वीडियो करने के लिए। और सबसे पहले दिखा दो, देखिए हमारे यहाँ पे मतलब प्रयागराज के फेमस चेहरे आपको दिखाई देंगे यहाँ पे, आसिफ भाई देखो आसिफ भाई है, आसिफ भाई है, उनके शागिर्द भी आ रखे हैं सब यहाँ पे। और अभी कुछ बातें चल रही थी कि पतंग पतंग बना रहे हैं आजकल हमारे आसिफ भाई, राइट आसिफ भाई पतंग बना रहे हैं आजकल, टाइम पास बना, सही है सही है। चलिए कंटिन्यू करते हैं, मनीष भैया को थैंक यू बोलते हैं, मनीष भैया थोड़ा सा शटर डाउन किया क्योंकि वीडियो का जरूरी था और दिन एक ही हमारे पास। तो मनीष भैया फर्स्ट ऑफ ऑल होली के बाद फिर होली पे मिलना हो रहा है आपसे, बिल्कुल भैया 1 साल हो गया पूरा जो है, राइट। लेकिन एक बात है कि जो सब आपके पास है और जो खासकर सद्दी चौबारे की बात करूंगा, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा वो, कहीं ना कहीं यहीं से जो बड़े से बड़े दुकानदारों के पास माल भी आपके पास जाता है, राइट। तो उसी में हमारी सीरीज होने वाली है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम कवर करेंगे, पहले मांझे को कवर करते हैं। तो मांझे में हम आपका क्या क्या कवर करवा रहे हैं, 84 रहेगा, चौबारा रहेगा, डबल रहेगा, डबल रहेगा, मैदानी मंजा रहेगा, टिब्बल रहेगा, इलाहाबाद का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले सबसे कम रेंज में क्या रहता है हमारे? देखिए हमारे यहाँ जो है सबसे शुरुआत ले लीजिए आप जो है एक री मांझे की, एक ही आ जाती है। अजमी भाई जरा एक री का मांझा उठाइए, देखिए यहाँ पे एक ही का चरखी आ जाती है, ये खासकर उनके लिए जो पॉकेट फ्रेंडली रहता है। ये भी देखिए 6 तार के मांझे, ये सब जो है बड़े चरखे से पलट के तब बनवाते हैं हम। अच्छा। खुद मतलब एक री मांझा भी रहेगा तो एकदम एक नंबर का, जो बच्चे लड़ाए तो याद रखे। तो ऐसा नहीं है कि अलग से बनाओ, जो अलग से नहीं बनवाते, ये बड़े चरखे से पलट के बनाते हैं। क्या बात है, ये देखिए, अरे वाह भैया, मतलब मैंने हर जगह पे देखा है लेकिन ये अलग ही चीज है, ये अलग अपना जो है जो बड़ा चरखा रहता है बड़े बड़े कस्बों उसमें से पलट के एक एक रील का बना देते हैं। तो भैया मैं प्राइस की बात नहीं कर रहा, आपका हौसला काम है, काफी बड़ा काम है, तो स्टार्टिंग रेंज क्या रहती है मांझे की? स्टार्टिंग मान के चलिए 150 रुपए 160 रुपए रील का बन जाता है, रील का रहता है ये रहता है। चलिए और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई भी मांझा होगा तो खुला भी मिल जाता है, खुला भी मिल जाता है, हाँ जाता है। उसके बाद ये है 3 रील का एनआरके भाई का, ये कौन सा रहेगा, 1 2 3 रहेगा, धार कौन सा रहेगा, ये 4 तार,
रॉकेट चार्टर राइट भैया जी। चलिए देखिए एनआरके कौन है ये वाले, अच्छा ये उनके वो है, ये याकूब भाई राइट, अजीम के अब्बा भाई के फोन आ रहे हैं भाई भैया, इसके बाद करी खा रहे हैं, ये अजीम का है, अजीम इम्तियाज जो आपका मतलब ये सिर्फ हमारे कहीं मिलता है राइट। और ये कौन सा चार्टर है, ये भी चार्टर है, ये छह तार उनका जो है, छह तार में रॉकेट छह तार है कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 छह तार है। तो अपने पास हम छह तार की बात करते हैं रॉकेट की और 1 2 3 की, तो कितने से स्टार्ट हो जाते हैं मिनिमम? ये आप मांग चलिए 1600 रुपए दर्जन है, तो मतलब 800-900 के आसपास मिल जाएगा, 800-850 मिल जाएगा। ये 1 2 3 की बात हो रही है, और अगर हम रॉकेट की बात करते हैं, रॉकेट भी चार तार रहेगा तो वही 100-150 रुपए कम हो जाता है, कम हो जाएगा मतलब वो 600-700। चलिए ये हो गया, फिर इसके बाद आता है आपका ये खलीफा भाई का नसीम का, ये भी 1 2 3 आने वाला है, ये रॉकेट पे रहता है भैया, रॉकेट पे, रॉकेट छह तार के चार तार, छह तार कलर बड़ा प्यारा लगा रखा है, ये देखिए यहाँ पे बादल के में, ये आपका पड़ेगा 800 रुपए का भैया, 800 रुपए का रहेगा ये। चलिए तो खलीफा जी के तो सारे ब्लॉग मिलते हैं मेरे ख्याल से यहाँ पे आपके सारे ब्लॉग, और आप तो उनके जो बेटे हैं सैम के भी सारे ब्लॉग आपके पास हैं राइट, वो तो भैया इलाहाबाद में सिर्फ हम ही को देते हैं, ये उनके हैं देखिए काला तूफान, ये मैं बताऊंगा सैम अख्तर है, खलीफा जी के ही बेटे हैं राइट जी। चलिए तो ये 1 2 3 है ना, ये वाला, ये सब 1 2 3 इनका माल ज्यादातर 1 2 3 का रहता है। चलिए ये 1 2 3 पे रहेगा इनका, एक ब्लॉग ये रहता है, एक ब्लॉग इनका ये आता है गोल्डन ईगल भैया, गोल्डन ईगल आ गया, ये भी आपका 6 रील के ऊपर है का। चलिए इसकी तो हमने अनबॉक्सिंग 6 12 हाँ जी राइट। और ये इनका एक तो जो है नया ब्लॉग, सबकी पहली बार इन्होंने क्लासिक भी भेजा है, ये 84 पे है? नहीं सब 1 2 3 पे, सब 1 2 3। अच्छा क्लासिक मैंने देखा ये बहुत डिमांड है, लखनऊ में भी काफी, लखनऊ में बहुत है, बहुत अच्छा बिकता है भैया। चलिए और ये भी यहाँ भी अच्छा बिकता है, ये पहली बार इन्होंने 6 का बनाया है, कहने पे होली की वजह से। चलिए बहुत बढ़िया, ये इनका हो गया जो भैया, फिर उसके बाद आते हैं इनके बड़े भाई, ये हमारे नसीम राइट। मैं 1 सेकंड आशी भाई 1 मिनट आएंगे, हम आपको वीडियो में सामने आएंगे, हम आपसे एक खलीफा जी का मांजा दिखाना चाहते हैं थोड़ा सा, क्लासिक भैया दिखाइए, वो क्लासिक ये वाला, क्लासिक आजकल बहुत चल रहा है, फिर आपने भी सुना होगा, तो बताइए कैसा मांजा है ये, थोड़ा सा मांजा देख के बताइए इसके ऊपर। भैया हमारे सामने ऑल इंडिया चैंपियन खड़े हैं, तो बहुत चल रहा है क्लासिक और सब जानते हैं इनको, इनकी पतंगबाजी को लेके, तो आज क्लासिक का रिव्यू हम लेंगे हमारे हाशिफ भाई से लेंगे, तो हाशिफ भाई थोड़ा सा क्लासिक के बारे में। मंजा अच्छा है, पतला मंजा है, धार भी अच्छी है, मंजे में बल भी खुले हुए हैं, देख लीजिए भैया, तो बढ़िया क्वालिटी है, आजकल बहुत देखा होगा आपने कि काफी लोग उड़ा भी रहे हैं, इवन सीनियर्स भी बहुत उड़ा रहे हैं इसके ऊपर। चलिए तो देखिए भैया हमने हाशिफ भाई से भी ये मांजा दिखवा दिया है, मांजा अच्छा है और कहीं ना कहीं इसी वजह से बहुत कम टाइम में ये फेमस हो गया, फेमस तो हो गया। बाकी मनीष भैया आप तो बेच रहे हैं, तो आपके पास क्या डिमांड है इसकी? इसकी डिमांड बहुत रहती है भैया, यहाँ भी जाता है, बाहर भी जो ऑनलाइन भी काम होता है, और जो इस रेंज के जो जिस रेंज में आता है उस रेंज के जो मांजे दूसरे उनसे कैसे इसकी क्वालिटी है? भैया हर कारीगर का अपना अपना हिसाब है, लेकिन ये कहीं से 19 रही है, उनका ही माल अच्छा लड़ता है, मतलब जो पैसों के हिसाब से जस्टिफाई करता है, बहुत अच्छा। चलिए और यहाँ पे हमारे हाशिफ भाई बीच में, हम हाशिफ भाई से थोड़ा सा उनका कहते हैं ना कि एक प्लेयर का एक चैंपियन का वो रिव्यू लेते रहेंगे यहाँ पे। थैंक यू सो मच हाशिफ भाई आपसे बीच में बताया, ये आपका आया है 5 स्टार अली मिर्जा 8400 पे, ये 84 पे, तो 84 में 6 रील कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा अपने पास? 900 तो कितने कारीगर का रहेगा? 84 4 कारीगर का रहता भैया। चलिए तो ये होली समय बेचते हैं, इसलिए 12 महीने बिकता नहीं है। अच्छा तो अपने 12 महीने अपने क्या सिर्फ जो है 1 2 3 का रहता है, तो अपने पास यहाँ पे 84 की इतनी डिमांड है नहीं, खाली सीजन के टाइम पे, सीजन टाइम शौकीन लोग उड़ाते भी नहीं ना भैया, जो है यहाँ सब 1 2 3 जो है। एक ये आशीष भाई थैंक यू सो मच, एक ये देखिए ये भी 84 MKS राइट, तो ये भी मतलब अपने बाप ने बताया कि स्टार्टिंग है 800-900 से 1200 तक, 1200 से 6 रील मिलेगी उसके अंदर, 6 रील 3 नहीं मिलेगा, और 12 रील का आता है जो है 1600 से शुरुआत है, वो 1 2 3 पे हो गया, नहीं 8400 पे ही है, थोड़ा कम दाम का, ओके उसकी सुताई का फर्क पड़ता है। अच्छा ये भैया आपका जो है, ये तो हमारे काला जुगनू है सियाउद्दीन का, बहुत बढ़िया, तो ये 1 2 3 पे आने वाला है, ये 1 2 3 पे। चलिए ये तो काला ही रहने वाला है, नहीं खोने की जरूरत नहीं भैया, काला ही रहने वाला है ये तो, ये अपना है अजीम इम्तियाजी, ये हमने बहुत उड़ाया भैया से लेके 12 महीने का 12 महीने, और अच्छी बात है भैया, ये हर तरीके से बहुत अच्छा लड़ रहा है भैया, इस समय इसकी इतनी डिमांड है कि आप समझिए हम दे नहीं पा रहे लोगों को, मैंने अभी देखा मेरे सामने जितने भी आया अजीम इम्तियाज, सब अजीम इम्तियाज, ब्लैक रेड 6 में 12 में वही लेके जाते हैं, ये इसका जो है ये भी है सुपर गोल्ड, अजीम भाई का 1 2 3 देख लीजिए, तो अपने पास 6 का आपने बताया 800 रुपए से स्टार्ट हो जाता है 1 2 3 के ऊपर, 1 2 3 पे जी जी। ये हमारे खलीफा जी का, खलीफा भाई का NS
ये पहले मैं कहते उसका आता है ना प्रवास का भी बिल्कुल अभी वन टू थ्री आ रहा है नहीं प्रवास पे अच्छा प्रवास भी आ रहा है अच्छा प्रवास फिर से आ गया ना भैया फिर से बिल्कुल आ गया तो कैसा धागा में कोई कमी आई कि धागा अच्छा आया नहीं मजबूत है मजबूत है बढ़िया है चलिए तो इसका कोई आइडिया देंगे इसका जो प्रवास का कोई रेट देंगे क्या रेंज में पड़ जाएगा प्रवास का ये भैया जो है आपका जो है दुकान के हिसाब से जो है 1600 में बिक जाता है मिल जाता कोई दिक्कत नहीं लड़के रोल आते हैं कटकाट करते हैं तो ये छतों के लिए रहने वाला है और ये अपने क्या का चौबारा देखिए चौबारा किसका चौबारा भैया ये अमन का भैया अमन का चौबारा है अरे काला रंग देख लीजिए अच्छा लपेटा ही बड़ा सही स्टाइल से हुआ ये वाला जी। तो भैया कितनी रील रहती है ये चार रील है चार रील रहती है तो भैया चौबारा जैसे हमारे इलाहाबाद का फेमस है जैसे बहुत फेमस है तो हमारे पास चौबारा की रेंज किससे स्टार्ट हो जाती है चौबारा जो है शुरुआत होती है कि 250 रुपए से ये देखिए नहीं वो देखा भैया और भैया अगर हम बात करें पहले तो 6 और 8 मिलता था अब 4 में मिल रहा है चार में बनवाते हैं भैया होली पे बहुत से लोग 4 मांगते हैं 4, 8, 6 क्या बात है तो मतलब ये थोड़ा सा है कि पॉकेट प्रिंट वो पसंद आ जाए जिसको ट्राई करना हो तो ये कर सकते हैं बिल्कुल 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 क्योंकि इसका पेज थोड़ा सा अलग लगता है देखा जाए तो भैया अब इलाहाबाद का चौबारा दिखाता हूँ और कौन कौन से कहेगा चौबारा जाए डबल या टेबल मिल जाएगा हमें यहाँ पे ये देखिए किसका है ये भैया खोल रहे हैं यहाँ पे और ये इलाहाबाद के आने वाला है भैया अमन का चुबारा देख लीजिए अमन का पर्चा लगा हुआ है यहाँ पे बहुत भैया बड़ी फिनिशिंग बड़ी अच्छी है चुबारे की ना बहुत बढ़िया एकदम बिल्कुल तो ये भैया जो ये 8 में रहेगा भैया 8 में रहेगा यहाँ पे और ये इलाहाबाद के अमन का चुबारा रहने वाला है बाकी भैया के पास सूरज का चुबारा मिल जाता है जिसका भी आप सूरज का मिल जाता है बाकी जो और जिसका कहते हैं बनवा देते हैं लेकिन ये दो कारीगर का हमेशा परमानेंट काम करता है तो भैया चुबारा का तो ये हो गया अब हम बात करते हैं डबल और टेबल मान जाएगा जो हमारे इलाहाबाद में एक बनता ही है उसका भी तो कुछ उसमें भी कुछ दिखाएंगे हमें कुछ वैरायटी दिख जाएगी करते हैं यहाँ पे तो अभी आपको दिखा था चुबारा 4 इंच के अंदर अब भैया दिखा रहे हैं आपको ये डबल है भैया डबल हाँ तो भैया डबल और चुबारे में क्या अंतर रहता है भैया चौबारा हमारे के बहुत मोटा मंजा बनता है और डबल का वो हाँ, बारीक हो गया डबल एकदम बारीक जो है जो फसाने वसाने के बीच जो बरेली में कहते हैं कि स्पेशल मांजा स्पेशल मांजा तो वो जो यहाँ का ये डबल होता है तो अपने पर ये जो चौबारा तो अपने डबल और टेबल का किस प्राइस से स्टार्ट हो जाता है ये आप मांगे डबल बनता है कि जो 140-150 रुपए से एक दिन का एक दिन का अब टेबल बन रहा है पर रुपए जो है 170-180 रुपए चला जाता है तो इसमें आपको दिखाते हैं ये कुछ ये डबल है शायद से वो डबल ये डबल है ये टेबल आपको दिखाता हूँ ये इलाहाबाद का मतलब हमारे प्रयागराज का टेबल आ रहा है ये देखिए और देखिए ये 12 की चरखा है और मात्र 9 रील है राइट तो ये मतलब ये चुबार से पतला हो गया और टेबल टेबल है हाँ डबल से मोटा और टेबल से क्या बात है बड़ा प्यार लग रहा है ये सूरज भाई का ये सूरज भाई का है ना आपने उसकी वीडियो तो बनाई है राइट 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 और बड़ा प्यारा मांजा बना हुआ है तो ये टेबल किस रेंज में आ जाता है 70 के रेंज में आ जाता है मतलब हाँ ये बहुत प्यारी चीज लगी हाथ पकड़ने बड़ी चाह रही तो जो होता है चढ़ा हुआ मांजा जो बोल चढ़ा हुआ उस तरीके से मांजा है लेकिन ये इलाहाबाद का टेबल है तो भैया अगर आपको कुछ नया ट्राई करना है तो खीर तार के पीछे आराम से लड़ाइए इससे बहुत अच्छी नहीं इसकी लड़ती भी भैया कुछ केमिकल भी है बरेली का बढ़िया बना रहा है लड़का जो है बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया आपका दिखा रहे भैया ये हैदर अब्बास का जो है ये क्या रहने वाला भैया ये 8400 ये भी है 8400 दिखा दूंगा आपको ये कितनी रहेगी भैया ये भैया 9 रील 9 रील रहने वाली है चलिए ये आपका पांडा आएगा भैया 4 रील का बोल तो C28 छह तार हमारे यहाँ भैया सब सीधा बल चलता है ना यहाँ पे अभी 9 उल्टा बल का 9 तार का नहीं नहीं यहाँ नहीं चलता भैया वो सीजन ही अलग है उल्टे बल का देखा जाए तो मैं कहता हूँ एक ही बार सर्दियों में ही आता है हाँ वो भी हमारे यहाँ नहीं बिकता भैया अच्छा। बाहर चला जाता है इलाहाबाद में नहीं बिकता ये देखिए भैया ये C28 है थोड़ा सा 80 वोल्ट से मजबूत रहता है लेकिन बड़ा अच्छा बना हुआ भैया बहुत मतलब क्वालिटी ना इतनी शार्प है जबरदस्त मजा आ जाए और सीजन के लिए इससे बढ़िया चीज का इससे बढ़िया हैवीपन भी नहीं है मान जाएगा देखा जाए बहुत अच्छी बढ़िया तो भैया अपने पास C28 की सोल से स्टार्ट हो जाता है 800 रुपए 200 रुपए दी ओके तो 800 की 4 रील रहेगी 800 की 4 ये हमारे नहीं भाई का राइट 7 स्टार अच्छा इनके सारे ब्लॉग आपको 3 में मिल जाएंगे और 6 में भी मिल जाएंगे 3 में 6 और 12 6 में 12 मिलेंगे 6 12 चलिए बहुत बढ़िया चलिए तो अब हम चलते हैं कंटिन्यू करते हैं 12 की ओर भैया 12 की ओर चलते हैं यहाँ पे आपको दिखाया था आपने आपको 6 रील में चल के दिखाए थे प्लस आपको दिखाया प्रयागराज का चौबारा दिखाया 4 रील के अंदर डबल दिखाया जो है आपको C28 दिखाया और 84 अब चलते हैं भैया बरेली के चरखा ये है अजीम इम्तियाज का
सबसे ज्यादा बिकने वाला मांझा। अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ पे दिन में खड़ा हो जाना, अगर सोच रखे बेंगे तो कम से कम 60 चरखे तो इसी की बिक जाती है। ये है अजीम अंसारी, अजीम अंसारी भाई, लेकिन सस्ते में अच्छा, सस्ते में अच्छा। मनीष भैया की फोटो आती है इसके ऊपर। और भैया अपने पास बाल किससे स्टार्ट हो जाता है? ये भैया 1600 से स्टार्ट हो जाता है ये वाला। चलिए बहुत बढ़िया। ये आपका आएगा जो है 1750 का, 1750 का राइट। तो ये आपका, ये दोनों रहने वाले, एक अजीम अंसारी और एक अजीम अंसारी के अंदर। नहीं 950। पीछे कस्टमर्स भी आ गए फिर से, अभी हमने वीडियो करे थे बीच में से। फिर इसके बाद ये है काला सोना। अब ये कौन सा आने वाला है? ये वही काला सोना, काला सोना 6000। तो भैया ये 1-2-3 पे आए वाला? ये 1-2-3 पे सब। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। तो भैया मेन यहाँ पे मैंने देखा अजीम, ये बहुत डिमांड है, नीचे नीचे वाले में बहुत डिमांड है। ये है कि भैया जो है सिराजुद्दीन का स्टार 1 काला, स्टार 1 से टॉप लोग इसे कहते हैं, ये आप मानते हैं। चरखा भी बड़ा अच्छा रहता है इसके ऊपर, 5 चरखा बहुत अच्छा लगाते हैं ये। इसका एक ये निकला है काला जुगनू, काला जुगनू, काला जुगनू। ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, बहुत बढ़िया अच्छा लगा। ये पुत्तन भाई ये मंजा बहुत लड़ाते हैं, क्या बात है। ये जो है खड़े हैं यहाँ पे, कम से कम 10-12 चरखा ले आ चुके हैं। तो कैसा लगा भैया आपको मांझे वाला? बढ़िया, अच्छे रिस्पॉन्स है भैया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। सस्ते में बहुत बढ़िया चीज दे रहे हैं, बहुत अच्छा लड़ रहा है वाला। फिर देखिए हमारा ये सेम एक्टर का जो है, इसका 6 में दिखाया था हमने, काला तूफान, काला तूफान। और बहुत ₹15 भैया, बीच बीच में रेट कस्टमर चल रहे हैं। और ये हमारे खलीफा जी की डोर है, 20 है मस्त है, हाँ गोल्डन ईगल। तो इनका भैया आपको 6 भी मिल जाएगा, 12 भी मिल जाएगा। और इसका क्लासिक जिसका अभी हमारे हर्षी भाई ने वो केदार रिव्यू किया था, ये दिखाया था अभी सैम अख्तर के मांझे। अब उसमें दिखाया क्लासिक जिनका टॉप लोग आता है, टॉप लोग। और कहीं ना कहीं हाशी भाई ने इसका रिव्यू भी किया था, 6 में दिखाया था। अब आपको 12 में भी चाहिए तो भैया का मिल जाएगा। चरखा बड़ा अच्छा लगा रखा है भैया, चरखा कुत्ता लगाया हुआ है कि ये? नहीं नहीं, वो बना के देते हैं, बना के देते हैं। और देखिये एक वीडियो का चरखा, एक और आया, बड़ा प्यारा चरखा है, देखिए यार बड़ा अच्छा लग रहा है। ये खलीफा जी का ही, ये खलीफा जी का है। चलिए तो यहाँ ये भी बहुत डिमांड में आ गया है, मंजा अच्छा लगा है, मंजा तो अच्छा बना है, शुरू से मैंने आपसे सारे लिए हैं तो काफी अच्छा मंजा बनाते हैं। ये अपना आएगा, ये खलीफा जी का, खलीफा जी बड़े भाई का, खलीफा जी के सारे ब्लॉग अपने पास सारे, हैं सारे सारे सारे। इनका कुछ एक नया ब्लॉग भी है ना, टॉप ब्लॉग भी तो आया, ये अभी नया इन्होंने निकाला है, वीर योद्धा, वीर योद्धा। ये देखिए वीर योद्धा हमारे खलीफा जी का, बड़ा अच्छा दिखाता हूँ आपको, पूरा चरखा दिखाता हूँ यहाँ पे। अरे वाह, बहुत ही क्वालिटी है। मैंने सबसे पहले मनीष भैया से इनके सारे ब्लॉग मंगवाए थे, इसमें NK47 भी आए, सब आए थे हमारे, गोल्डन 7 स्टार सब इसके अंदर ही आए थे हमारे। ये इनका है 7 स्टार, 7 स्टार। अब तो बहुत पैकिंग चेक हो गई है, बहुत 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 बहुत। कटाई भी चेंज किया इन्होंने, बहुत बेटर था भैया, जैसे मर्जी लड़ा लो, मैंने कंप्लेंट नहीं इस मांझे का देखा जाए। एक इन्होंने निकाला जो है ये रॉकेट पे, ये NAS पहले भी आ रहा था, बीच में बंद हो गया था, तो अभी मैदान में लाऊ नहीं है। ये रॉकेट रहेगा, प्रवास रहेगा, ये रॉकेट पे भी लगा देते हैं, प्रवास भी लगा देते हैं, रहेगा 6 तार। और चरखा देखिए बड़ा भी है, बीकानेर का चरखा लगा रखा है। एक इन्होंने ये ब्लॉक निकाला है खलीफा जी ने, एयर स्ट्राइक। ये टॉप में आएगा कि मीडियम है? ये जो है मीडियम में, मीडियम में करते हैं, टाइम हो चुका है थोड़ा सा ऐसे भी। ये एक देखिए मोबिन भाई का हमारा है, मोबिन ये आज हमें बिक भी रहा था भैया, बहुत अच्छी दूरी रहती है इसकी भैया। इस समय जो है अभी शुरुआत किया इनसे काम, लेकिन रिजल्ट इनका अच्छा है। चले की आपको 1-2-3 मिनिमम 1600 भैया यहाँ पे, और भैया मैक्सिमम वही जाएगा अपना ड्रैगन जैसे जी। ये हमारा काला सोना, काला का सोना का राइट चरखा देखिए, ये तो पुराना चरखा जो काला सोना केमिकल वाला दिखा रहे हैं, राइट राइट राइट। चलिए और ये हमारे ड्रैगन आ गए हैं, आज एक भैया आए थे सब्सक्राइबर थे, वो ड्रैगन लेके गए हैं। तो बोले भैया कह रहे काफी टाइम से सोच रहा था कि लेना है लेना है, आज उन्होंने ले भी लिया। ये इनका जो डोर है बहुत बढ़िया, इसका तो रेट पूरे इंडिया भैया, इसमें 84 भी बहुत आ रहा था बीच बहुत में और बहुत, लेकिन हमारे के 84 नहीं चलता भैया ज्यादा, हम लोगों के 1-2-3 ही ज्यादा चलता है भैया। अपने पास अयान हो गया, और हमारे पास जैसे अब वो रहते हैं बशीर भाई रहते हैं, उनका रहता है मांझा अपने पास। जी 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 भैया, एक ये देखिए हैदराबाद का जो है किंग ऑफ किंग, किंग ऑफ किंग, जिनका भी 84 भी कवर किया था। इनका ये देखिए बहुत अच्छी डोर रहती है, दिखा दीजिए भैया। बच्चे आ रहे हैं पीछे, चरखा बड़ा अच्छा लगा रखा है भैया ना, चरखा यूज होने वाला चरखा ये बारीक डोर है भैया, ये देखा जाए तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत बारीक डोर है ये वाला, नो डाउट बढ़िया, नो डाउट भैया मजेदार।
लेकिन जो मैंने देखा ना यहाँ पे, मतलब भैया के पास सारे लोग रहते हैं लेकिन फिर भी अजीम इम्तियाजी का एक अपना ही वो है यहाँ पे देखा जाए तो। देखिए सब ये नए नए कस्म यहाँ पे, देखिए वीर योद्धा है यहाँ पे, सियाउद्दीन का मांझा दिख रहा है यहाँ पे, और ये आपको यहाँ पे वो दिखाते हैं, ये हमारा सुपर डेंजरस भैया। हमने देखा था निसार भारती का, नासिर भारती, नासिर भारती का, उनका भी दिखा दीजिए अगर है तो, उनका भी मंगवाते हैं, वो जरा घर पे है, वो खत्म हो गए, यहाँ जाए तो लाए थे। ये देखिए, ये तो सुपर डेंजरस है, हम देख रहे हैं, सब जानते हैं भैया, एक नंबर की भैया, राइट राइट राइट। हमारे जाकिर भाई का, जाकिर भाई का वीर चक्र फसाने के मामले में काफी अच्छे, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा बन जा रहता है इनका भी भैया। इनका काला तो आसमान का तूफान उफान भी आता है, वो भी मैंने आपसे लिया था, ब्लैक स्कॉर्पियो का काला बिच्छू, निसार खान शूरवीर, इनका भी जो है डेंजरस भी है, वो वीर योद्धा भी है, वो भी है, वो घर पे रखा है। ये देखिए इसका जो है पूरी बल खुली, बल खुली डोर देख लीजिए। चलिए तो भैया अपने पास मैक्सिमम रेंज कहाँ तक जाएगी, मान जाएगी अगर हम बात करें चौबारा और ये अपना बरेली का मिला के भी देखा जाए तो, ये आप मांग के चलिए 3200 रुपए तक की हो जाती है, ये जाएगा रेंज जाएगा, राइट भैया। पीछे कस्टमर डीलिंग हो रही है, कस्टमर भी यूनिस इकबाल, इकबाल का, अच्छा ये ऊपर उल्टा लपेटा हुआ था, ये बिका हुआ जिसलिए धोखा ना हो जाए। अच्छा ये देखिए भैया यूनिस इकबाल देख लीजिए, 90998 है, और कहीं ना कहीं फिर से भैया इसकी काफी डिमांड में, देखो बहुत डिमांड है, अच्छी है, ये गर्मी में लड़ने के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बनाते हैं ना, बनाते हैं थोड़ा महीन बारीक बनाते हैं, और फिर से डिमांड शुरू हो गई इनकी यहाँ पे, उधर भी थोड़ा सा कम हुआ था लेकिन इधर डिमांड बढ़ी है, बढ़िया हो गई। अब इसके बाद हम थोड़ा सा मांझा कवर करेंगे, भैया गोदाम में जाके जाए भैया, यहाँ पे भी कुछ ही मांझा बताएगी हमारे पास। जी भैया एक ये हमने बनवाई थी, अभी जो है तुरंत खत्म हो जाता है, आप ही कब लोग है ना भैया, ये वाला स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, देखिए मनीष भैया की फोटो है यहाँ पे, और ये आपको मिल जाएगा भैया खुद का पर्सनल ब्लॉग है, 2000 रुपए का, 2000 इसका तो रेंज भैया ने प्राइस खोल दिया, बढ़िया भैया जो आज के पेज चल रहे ना मीडियम आपके उसके लिए तो बहुत बढ़िया चीज़ है, और ये भी भैया बता रहे कि हॉट में रहता है हमारे, बहुत भैया का बहुत पुराना काम है, और कहीं ना कहीं भैया यहाँ में देगा कि भैया जो कस्टमर को गेस्ट करते हैं ना कि भैया मतलब गाइड करते हैं कि ये ले लो, तो कस्टमर वो ही ले लेते हैं, और सब बैठते बैठे तो ऑनलाइन भी काम है, बट अभी हाल फिलहाल के लिए भैया बता रहे थे कि टिल होल तक ऑनलाइन डिलीवरी पर थोड़ा सा बंद नहीं, कम है, कम है, लेकिन होली के बाद बिल्कुल खुल जाएगा, जहाँ चाहिए होगा आपको वहाँ होगी, चाहे सर्दी हो चाहे मांझा हो चाहे चौबारा, आपको सब मिलना शुरू हो जाएगा। तो जो अभी कंप्लेन थी ना कि भैया भैया रिप्लाई नहीं करते हैं, तो होली तक थोड़ा सा होली तक, क्योंकि यहाँ पे भी आप मानेंगे हमने वीडियो के लिए ना शॉप का जो डोर है ना हमें बंद करना पड़ा, तभी भी वीडियो नहीं हो पाई, बीच बीच में लोग शटर ऊपर उठा रहे हैं आके, और मैं आपको दिखाता हूँ, देखो पीछे शटर फिर से उठ चुका है यहाँ पे सारे, यहाँ पे कैसे सब भैया देख रहे हो, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे है कि भैया की बहुत डिमांडिंग शॉप है और यहाँ पे कहीं ना कहीं रश रहता ही है, तो ये लगा लीजिए सुबह 10 बजे से आया था तो जाके 3 बजे जाके हमारा पहला वीडियो हुआ है भैया। बिल्कुल भाई बिल्कुल, तो मैं फिर से यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, मान जो यहाँ यहाँ पे यहाँ पे रहने वाले आप देख लीजिए, सारे बड़े ब्लॉग यहाँ पे हैं, इसमें आपका हो गया डेंजरस हो गया, हमारा गोल्डन ईगल हो गया, तूफानी हो गया, हमारे नईम भाई की डोर हो गई, शूरवीर की डोर हो गई जो बल खुली डोर थी, या हमारे खलीफा जी का वीर योद्धा हो गया, और इनका भी वीर योद्धा आने वाला हमारे पास रॉयल देख लीजिए, और सबसे ज्यादा जो डिमांडिंग में भैया ने बता भी दिया इसका प्राइस कहीं ना कहीं ये है अजीम का, जो भैया बता रहे थे कि 1600-1700 की रेंज में रहता है, राइट भैया जी जी राइट, और एक लिए बिल्कुल देखिए यहाँ पे डिमांड आई है, बिक भी गया है मेरे ख्याल से देखा जाए तो, बाकी काला सोना के सारे ब्लॉक मिल जाएंगे, अयान का मैं बाहर देखा था रखा हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे अयान का, यहाँ पे देख लीजिए एक ये अयान का हो गया, तो अयान के भैया सारे ब्लॉक मिल जाते हैं, सारे ब्लॉक, सारे ब्लॉक 999 सब मिल जाते हैं जो अयान। चलिए तो भैया ये एक वीडियो था हमारा मनीष भैया मांझे के ऊपर, अब कंटिन्यू करते हैं पतंग की तरफ भैया, राइट। चलिए